भीमराव जी, और उसको मैं, मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि मैं आज उसको रूबरू मिल पाया, क्योंकि मैं तो बाबा साहब को भी मेरे दादाजी पिताजी ने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, मेरा एक खरेखर सौभाग्य है कि मैं आज बाबा साहब का पुत्र के बाजू में बैठा हूँ। तो और संत जी को भी मेरा प्रणाम और भीमराव जी को मेरा प्रणाम। मैं गुजरात से आया हूँ, ऐसे तो मैं सूरत में हूँ, सूरत में मेरा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। ये लोग सब बोल दिया बड़ा आदमी है, उद्योगपति है, ऐसा कुछ है बराबर। तो मैं सूरत में था तो वहाँ कोरोना आया, कोरोना काल में मैं गांव गया। मेरा गांव इतना खराब जगह पे है, खराब जगह बोलना पड़ता है भारत का गांव, लेकिन इतना लगता है कि ये गांव में इतना अनटचबिलिटी है, इतना अत्याचार है दलितों के ऊपर, कि दलितों को आज का दिन में भी गांव के बाहर रखा है, उसको पानी नहीं दिया जाता है, उसको दूध नहीं दिया जाता है, ना ही बाल नहीं काटता है, और जहाँ बेल पानी पीता है वहां भी आज जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन की जरूरत अभी सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में है, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात में। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी लगभग भंडे जी के साथ में घूम रहा हूँ 3-4 दिन से, तो हमने तय किया है कि मैं यहाँ से जाके भंडे जी गुजरात में आएगा और पूरा गुजरात का भ्रमण करेंगे। हम लोग गुजरात में तो लगभग 18,000 गांव है, 18,000 गांव में हम धर्म यात्रा निकालेंगे, धर्म परिवर्तन के बारे में हम 18,000 गांव में सबको जागरूक करेंगे, क्योंकि ये अभी इसमें रहना ज्यादा हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें हमको कुछ माना नहीं जाता है। हम ना तो हम 35 करोड़ अनुसूचित जाति के हमारी बस्ती है, उसमें हमारा एक भी चैनल नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है भारत में, हमारे जैसे 1-2-3 आदमी है। अभी देखिए यहाँ जो भी आए हैं आप देख लीजिए, इसमें कोई क्लास वन ऑफिसर नहीं होगा, उद्योगपति नहीं होगा, धारा सभ्य नहीं होगा, क्योंकि सबने अपना घर बन लिया है। वो लोग सब दलाल में पैसा कमा कमा के बाबा साहब की वजह से नौकरी मिल गई, वो पुत्र खुद नौकरी ले लिया, दो लड़के को इंजीनियर बना दिया, पायलट बना लिया, उसका घर में 1 महीने की 5 लाख इनकम है, फिर भी समाज के लिए कुछ करते नहीं है। जो भी आते हैं वो निचली कक्षा के आदमी ही आते हैं यहाँ बाबा, जिसके पास फोर व्हील नहीं है वो बेचारे ट्रेन में आते हैं, किराए की गाड़ी में आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े आदमी है वो हमारा यूट्यूब चैनल देख के खुश होगा, हाँ ये लोग मेहनत कर रहा है, हम लोग आराम से सोते हैं। बाबा साहब ने जो अपने को दिया है उसकी वजह से कितने एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन ये जो अभी हम काम कर रहे हैं वो उसको करना चाहिए, एमएलए को करना चाहिए, एमपी को करना चाहिए, ये काम अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ अपना जो अनामत है, अनामत के ऊपर वो लोग इलेक्ट होते हैं, पैसा बना के घर में चले जाते हैं, उसका लड़का को एक स्कीम है समाज कल्याण खाता में, समाज कल्याण जो खाता में स्कीम है उसमें लड़के लोग को पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया देता है पायलट बनने के लिए। वो कौन बनते मालूम है, एमएलए के लड़के ही बनते, दूसरे को नहीं बनाते वो लोग। तो मैं ज्यादा नहीं बोल,